स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने नाउन के आगे काफ़ी सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है, नाउन के काफ़ी सारे रूल्स को डिस्कस कर लिया है। अब इन रूल्स को अप्लाई करने का मौका आया है, मतलब आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे नाउन बेस्ड होंगे, और हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि नाउन बेस्ड तो है, साथ ही ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे भी जा चुके हैं, मतलब ये क्वेश्चन आगे एक बार पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को ही हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हमें पता भी चल जाएगा कि हमारी नाउन कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस व्हाइल ऑन अ जर्नी। मतलब कि यहाँ पे क्या बात बोली गई है, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस व्हाइल ऑन जर्नी। ठीक है, तो यहाँ पे एरर ये है कि ये जो लगेजेस है ये ऐसा नाउन है जो कि कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, मतलब एस लग के इसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एरर इसी पार्ट में, सही जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेज व्हाइल ऑन जर्नी। ठीक है, तो एरर इस पार्ट में ही है, यहाँ से एस को हटाएंगे, लगेजेस को लगेज बनाएंगे। आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर है कि एरर किस पार्ट में है। नेक्स्ट इज मैनी अ मैन वांट टू बी रिच क्विकली, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैनी अ मैन, यहाँ तक तो ये सेंटेंस एकदम सही है, लेकिन आगे जाके क्या हो गया, आगे जाके लिखा है वांट टू बी, तो एरर हमारा सेकंड पार्ट में ही है। लेकिन एरर है क्या, यहाँ पे मैन है, और तो मैन कैसा नाउन है हमारा, सिंगुलर। अब ये जो सिंगुलर नाउन है इसके लिए आगे जो वर्ब यूज की जाती है वो वर्ब अपने एस फॉर्म में होती है, मतलब वांट्स होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन के लिए लिखा है वांट, जो कि गलत है। तो सिंगुलर नाउन के लिए क्योंकि पीछे एस लगेगा तो ये सेंटेंस हो जाएगा मैनी अ मैन वांट्स टू बी रिच क्विकली, है ना। तो यही एरर था पार्ट बी में। आई होप आपको ये वाला सेंटेंस क्लियर होगा कि कहाँ पे एरर है और उसका करेक्शन कैसे करना है, ये भी चीज़ आप लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट इज द रशियन एम्बेसडर्स वेयर अबाउट्स इज नॉट नोन टू एनीवन, है ना। तो इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में यहाँ पे लिखा है द रशियन एम्बेसडर्स वेयर अबाउट्स, यहाँ तक तो ये सेंटेंस एकदम सही है, फिर लिखा है इज नॉट नोन टू एनीवन। अब हमें लग रहा होगा कि ये वेयर अबाउट्स है, ये तो प्लूरल है क्योंकि पीछे एस लगा, बट ये सेंटेंस एकदम सही है क्योंकि ये जो वेयर अबाउट्स है ना, ये वेयर अबाउट हमारा ऐसा नाउन है जो कि हमें प्लूरल दिख तो रहा है लेकिन इन रियल सेंस इट इज सिंगुलर नाउन, है ना। तो ये वेयर अबाउट सिंगुलर नाउन है, अगर नाउन सिंगुलर है तो वो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा, इसलिए हमने यहाँ पे आर यूज ना करके इज वर्ब यूज किया। आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर है कि एरर किस पार्ट में है, एरर किसी भी पार्ट में नहीं है। द रशियन एम्बेसडर्स वेयर अबाउट इज नॉट नोन टू एनी वन, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, ये सेंटेंस एकदम सही। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नो एरर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम अपना, कैन आई हैव अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड अ जैम जार। ठीक है, तो इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में हुआ क्या, यहाँ पे हमने अ जैम जार बोला है ना, तो ये जैम क्या है, ये जैम भी हमारा नाउन है और जार भी हमारा नाउन है, और हमें पता है कि हम सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक साथ सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी ये नाउन है और यहाँ पे भी ये नाउन है, दोनों नाउन एक साथ यूज नहीं हो सकते, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारा सेंटेंस जो है इस तरीके से बन जाए कि सेंस तो सेम मिले लेकिन दो नाउन एक साथ में यूज ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं अ जार ऑफ जैम। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, अब ये सेंटेंस इस तरीके से होगा, कैन आई हैव अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड अ जार ऑफ जैम। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही हो चुका है। अब तो हमें पता चला कि हमारा जो एरर है वो पार्ट सी में है, कभी भी जैम जार नहीं होगा, वो जार ऑफ जैम होगा, क्योंकि दो पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ यूज नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव डन अ मिस्टेक। अब इस सेंटेंस में क्या एरर है, हमें तो सेंटेंस एकदम सही लग रहा है लेकिन एरर है इस सेंटेंस में। देखिए, जब बात मिस्टेक की होती है ना, तो मिस्टेक कभी डन नहीं होती, मिस्टेक हमेशा मेड होती है, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट यू हैव डन अ मिस्टेक, तो एरर हमारा इसी पार्ट में है, पार्ट सी में, कि मिस्टेक कभी भी डन नहीं होती, मिस्टेक हमेशा मेड होती है। तो यहाँ पे डन अ मिस्टेक को हम लोग रिप्लेस करेंगे मेड अ मिस्टेक। तो आई होप आपको ये वाला सेंटेंस भी क्लियर होगा कि इसमें क्या एरर है, इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक।
नेक्स्ट है हमारा वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो वर्मिन है ये हमारा ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है. अब वर्मिन होता क्या है, वर्मिन स्मॉल क्रिएचर्स और स्मॉल एनिमल्स जो कि कलेक्टिवली ग्रो होते हैं. जैसे कि आपका रैट है, तो रैट कभी अकेला नहीं होगा ना, वो धीरे धीरे करके और भी काफ़ी सारे रैट्स को अपने साथ रिप्रोड्यूस कर लेगा. ऐसे ही इंसेक्ट है, कोई कॉकरोच, लाइस, ये सारे कैसे हमारे क्रिएचर्स हैं, एकदम स्मॉल क्रिएचर्स हैं, प्लस ये कभी अकेले नहीं होते, ये हमेशा ग्रुप में होते हैं, कलेक्टिवली होते हैं. तो ये हमारा ऐसा नाउन है जो कि प्लूरल रहता है हमेशा, भले ही इसके पीछे एस नहीं लगा, यहाँ पे वर्मिन्स नहीं लिखा, लेकिन स्टिल इट इज इन प्लूरल फॉर्म. तो ये जो वर्मिन है ये प्लूरल नाउन हो गया हमारा. ठीक है, तो फिर हमने आगे जो वर्ब यूज किया है ये वर्ब है सिंगुलर फॉर्म में. तो जब प्लूरल नाउन है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब कैसे ले सकता है, प्लूरल नाउन है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेगा ना. इसलिए एरर हमारा इसी पार्ट में है, पार्ट बी में. अगर वर्मिन हमारा प्लूरल नाउन है तो हमें यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल यूज करना होगा, लेकिन डज है हमारा सिंगुलर वर्ब, इसलिए डज की जगह हम लोग यूज कर लेंगे डू. तो आई होप आपको ये वाला सेंटेंस क्लियर है कि इस सेंटेंस में एरर किस पार्ट में है. एरर है बी पार्ट में, क्योंकि वर्मिन प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल नाउन है इसलिए अपने साथ प्लूरल वर्ब डू लेगा, ना कि डज. ठीक है, नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं अपना. द टाटा ग्रुप ओन्स मैनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो टाटा ग्रुप है ये हमारा नाउन है, और ये नाउन कैसा है, ये नाउन है सिंगुलर. आगे चलते हैं, मैनी इंडस्ट्रीज. अब ये जो मैनी इंडस्ट्रीज है ना, ये हो गया हमारा प्लूरल नाउन. ठीक है, अब आगे और देख लेते हैं, दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब. अब यहाँ पे दैट के बाद हमारा जो वर्ब यूज किया ये वर्ब है हमारा प्लूरल, है ना, प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज किया. लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमारा मेन सब्जेक्ट है टाटा ग्रुप, और ये जो टाटा ग्रुप है ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए. यहाँ पे वर्ब आर ना आके इज आएगी, इसलिए हमें पता चल गया कि हमारा जो एरर है, एरर हमारा पार्ट बी में ही है, क्योंकि हम टाटा ग्रुप को कंसिडर करेंगे, टाटा ग्रुप हमारा मेन सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर फॉर्म है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगी यहाँ पे. तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज आनी चाहिए, ना कि आर. ठीक है, इसलिए एरर होगा पार्ट बी में. आई होप आपको ये वाला सेंटेंस क्लियर है. अगला सेंटेंस डिस्कस करते हैं. इंस्पायर्ड ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग लतिका कंटिन्यू टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क. अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि एरर किस पार्ट में दिया गया है. पहले हम ए पार्ट देखते हैं, इंस्पायर्ड ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग. यहाँ तक तो स्ट्रक्चर एकदम सही है सेंटेंस का. पार्ट बी में जाते हैं, लतिका कंटिन्यू टेकिंग, ये भी एकदम सही है. अब पार्ट सी में देखिए, शुगर्स इन हर मिल्क. अब यहाँ पे हमें एरर मिल गया कि एरर हमारा पार्ट सी में है, लेकिन एरर क्या है, ये जो शुगर्स है ना, ये शुगर्स है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, है ना, शुगर्स हमारा अनकाउंटेबल नाउन है. और इस अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर में या फिर प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, काउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को हम ना ही सिंगुलर बना सकते हैं ना ही प्लूरल बना सकते हैं. ये जिस फॉर्म में होते हैं ये उस फॉर्म में ही रहेंगे. तो हम कभी शुगर्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम कभी अशुगर नहीं लिखेंगे, मतलब सिंगुलर नहीं बनाएंगे इस तरीके से, या फिर हम कभी शुगर्स लिख के उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे. ठीक है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर गलत है. शुगर हमेशा शुगर रहता है, अशुगर या शुगर्स नहीं होगा. तो शुगर वाला जो ये स्ट्रक्चर है ये एकदम सही है. तो हमें पता चल गया कि जो एरर है वो सी पार्ट में ही है. यहाँ पे शुगर्स लिखा है, शुगर्स ना आके यहाँ पे शुगर आएगा. ठीक है, तो यही हमारा एरर था. आई होप अब आपको क्लियर है कि यहाँ पे एरर किस पार्ट में है और उस एरर को करेक्ट भी कैसे करना है. नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अपना सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस है, आवर ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेस 7 फ्लोर्स एंड अ रेस्टोरेंट एट द टॉप इन एन एरिया ऑफ अबाउट 800 स्क्वायर मीटर्स. इसमें एरर कहाँ पे, इसमें एरर देखिए पढ़ के ही तुरंत पता चल गया कि जब बात हो रही है ऑफिस बिल्डिंग की, है ना, और ऑफिस बिल्डिंग के बाद क्या लिखा है आगे कि आवर ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेस 7 फ्लोर्स, 7 फ्लोर है उसके अंदर, एंड अ रेस्टोरेंट एट द टॉप इन एन एरिया ऑफ अबाउट 800 स्क्वायर मीटर्स. मतलब हमारी ऑफिस बिल्डिंग में 7 फ्लोर है, 7 मंजिल है, 7 मंजिल के बाद टॉप पे एक रेस्टोरेंट है. अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जामिनर बोलना क्या चाहता है. जब बात हो रही है ऑफिस बिल्डिंग की तो रेस्टोरेंट कहां से आ गया, ऑफिस बिल्डिंग में या तो कैंटीन होगी या फिर
कैफे होगा, लेकिन ऑफिस बिल्डिंग है तो वहां पे रेस्टोरेंट तो नहीं होगा। ऑफिस में यार कैफे होता है या फिर कैंटीन होती है, ऑफिस में रेस्टोरेंट तो नहीं होता। तो एरर हमारा बी पार्ट में ही है कि ऑफिस बिल्डिंग की बात हुई है तो वहां पे रेस्टोरेंट ना आके वहां कैंटीन आना चाहिए था, ठीक है। तो यही एरर है इस सेंटेंस में। आई होप आपको ये वाला सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स बिफोर ही रीच्ड माई होम आफ्टर सो लॉन्ग, ठीक है। तो इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स, तो ये जो चोर्स है ना, ये चोर्स होता है हमारा नाउन, और चोर्स का मतलब होता है हाउस होल्ड वर्क्स, मतलब घरेलू कामकाज, ठीक है। अब जब चोर्स का खुद का मतलब होता है हाउस होल्ड वर्क्स, तो अगेन हमको उसके आगे हाउस होल्ड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो दोनों नाउन है, और एक चीज हमें पता है कि कभी दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच साथ में यूज नहीं हो सकते। तो ये भी नाउन दोनों यूज होंगे नहीं। और आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स, चोर्स का खुद का मतलब होता है हाउस होल्ड वर्क, तो अगर मैं चोर्स को हाउस होल्ड वर्क से रिप्लेस कर दूँ तो देखिए पढ़ के कैसा लगेगा, आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड वर्क। तो अब यहाँ पे मैंने दो बार हाउस होल्ड यूज कर लिया ना, आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड वर्क, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हम दो वर्ड्स को एक साथ क्यों यूज करेंगे, जो हमारी लैंग्वेज है वो एब्सर्ड हो रही है। इसलिए यहाँ से मुझे हाउस होल्ड ड्रॉप करना होगा, तो सही सेंटेंस बन जाएगा आई फिनिश्ड माई चोर्स बिफोर ही रीच्ड माई होम आफ्टर सो लॉन्ग, ठीक है। तो एरर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ही थी। अगर यहाँ पे चोर्स लगा है तो हमें आगे हाउस होल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला सेंटेंस क्लियर होगा कि एरर किस पार्ट में है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस किए, ये सारे नाउन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। आई होप आपको इन सारे क्वेश्चंस में अब कोई भी डाउट नहीं है। अगर स्टिल कोई डाउट बच रहा है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। आगे और भी काफी सारी अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।